वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, महात्मा वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, लोग उनको जज साहब कहते थे। क्या कहते थे? जज साहब। कोई भी देखे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो किसी ने पूछा कि इनको महात्मा है, इनको जज साहब क्यों कहते, क्या ये जज थे? तो एक महात्मा ने उनकी घटना बताई। दक्षिण भारत के एक छोटे से लोक अदालत में वो महात्मा जज थे। पहले साधु बनने के पहले दक्षिण भारत में वो जज थे। जहां पर वो जज थे उसी गांव में, बगल में एक गांव था, वहां एक राम जी का मंदिर था। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। उसी के कारण ये जज साहब महात्मा बना। वो गांव में रहने वाला भोला पढ़ा लिखा तो नहीं था, अनपढ़ गवार था बेचारा। रघुनाथ जी का मंदिर था, रघुनाथ जी के मंदिर में रोज झाड़ू पोछा करता था। उसके दो बेटा और एक बेटी थी। बड़े हुए बच्चे, बेटी विवाह के योग्य, शादी के योग्य हो गई। तो पुत्रों ने कहा, पिताजी किसी से कर्जा उधार ले लो, बाद में हम मेहनत करके चुका देंगे, पर बेटी का विवाह कर दो। पिता ने पुत्रों की बात मानकर एक गांव के सेठ के यहां से 2000 रुपया उधार लिया। सस्ता जमाना, सेठ जी ने ब्याज की दर तय कर दी, लिखा पड़ी हो गई, 2000 रुपया उधार दे। ध्यान से सुनना, बेटी का विवाह हो गया। उधर उस भोला केवट नाम के बच्चों ने मजदूरी की, विवाह के बाद 2000 रुपया जमा किए और 2500 रुपया पिताजी को देकर कहा, पिताजी ये सेठ जी के रुपया चुका दो। भोला नाम का भक्त रुपया लेकर के आया, सेठ जी आपने जो उधारी दी थी ये चुकती कर दीजिए। सेठ जी ने रुपया लिए, वो कागज ले गया जिस कागज में लिखा पड़ी थी। कागज को देखकर सेठ जी ने रुपया जमा करते हुए कहा, एक काम करो हस्ताक्षर कर दो। भोला बोला, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप। अब सेठ जी के दिमाग में कीड़ा आ गया लोभ का, कि इससे तो दोबारा भी लिए जा सकते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है। पानी लेने भेज दिया, तो क्या किया कि जो लिए हुए रुपयों का लिखा हुआ कागज था उसमें चुकती तो लिख दी पर हस्ताक्षर नहीं हुए, तो उसे तो बही में रख लिया। एक ऐसे ही कागज उठाया, उसमें ऐसी ऐसी लिख करके दे दिया, ले जाओ घर को। बेचारा भोला सीधा साधा आदमी, रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा करता, आकर के उसने वो कागज राम जी के चरणों में रख दिया। सेठ जी के मन में पाप आ गया कि इससे तो दोबारा भी पैसे लिए जा सकते हैं। बेचारा कागज ला करके रघुनाथ जी के चरणों में रखता है। इधर सेठ जी ने लोक अदालत में मुकदमा कर दिया कि हमारे रुपया नहीं दे रहे हैं, भोला नाम का केवट है, गांव में रहता है, रुपया नहीं दे रहे हैं, मांगने जाओ तो गुंडागर्दी करता। लोक अदालत में मुकदमा किया, इन्हीं जज साहब की अदालत। तो संबंध निकाला गया, संबंध कागज निकाला गया। तो गांव में कोर्ट का चपरासी कागज लेकर के आया, बोले भैया केवट से कहा कि ये तुम्हारा संबंध आया है, जज साहब ने तुम्हें बुलाया है, कोर्ट में हाजिर हो। बेचारा कोर्ट में हाजिर हुआ। जज साहब ने केवट को देखते हुए कहा, क्यों आपने सेठ जी के रुपया लिए? केवट ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर हमने रुपया लिए। तो तुमने चुकाए क्यों नहीं? सरकार, हुजूर हमने एक एक रुपया चुकाए, एक एक रुपया हमने जमा किए, 2500 रुपया जमा किए। तो जज ने कहा, रो मत। जज ने देख लिया फटी हालत है, साधारण आदमी है, भाई रो मत, पर तुमने जब रुपया इनको दिए तब कोई तीसरा आदमी था? अच्छा इसकी एक आदत थी, ये कोई भी बात कहता था रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, जो मंदिर वाले रघुनाथ जी थे उनका नाम लेता था। तो जज ने सामने पूछा, क्यों जब तुमने रुपया जमा किए तब कोई तीसरा आदमी था? केवट हाथ जोड़ के बोला, सरकार और तो कोई नहीं था, पर हमारे रघुनाथ जी तो हर जगह है, तो रघुनाथ जी थे। जज साहब समझ नहीं पाए, उन्हें लगा रघुनाथ नाम का कोई आदमी। अच्छा एक काम करो, तुम घर जाओ, हम रघुनाथ जी के नाम का वारंट निकाल लो, उनको बुलाएंगे गवाही के लिए। ये भी सीधा साधा वापस आ गया। जज साहब ने संबंध का वारंट निकाला रघुनाथ के नाम का, चपरासी लेकर गांव में आया, क्या भाई यहाँ कोई रघुनाथ जी रहते हैं? गांव वाले बोले, यहाँ तो कोई रघुनाथ जी नहीं, पर हाँ रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। मंदिर में आए, चपरासी ने पंडित जी को देख करके सोचा, यही रघुनाथ जी है, क्या ये रघुनाथ जी यहाँ रहते हैं? तो पुजारी जी ने कहा, हाँ यही रहते हैं। चपरासी ने कहा, लो
अदालत से बुलौवा आया है गवाही देने के लिए, ये 18 तारीख लगी है, ये बुलौवा पकड़ो। पुजारी जी ने सोचा जब भगवान नहीं बुला लिया तो हम काहे को मना करें, ले आओ। हस्ताक्षर कर दिए और चपरासी से कह दिया प्रभु पहुंच जाएंगे। लेटर लिया, कोर्ट का लेटर पकड़ा और पुजारी जी ने राम जी के चरणों में रख दिया। और राम जी के चरणों में रख कर बोले, सरकार कपड़े तो आज तक बहुत आए, फल फूल भी बहुत आए हैं, अदालत से पहली बार बुलौवा का गिरफ्तारी का वारंट आया हो, अभी तो गवाही देने का है पर वारंट गिरफ्तारी का भी आएगा, ले ये कागज है, मैसेज आया है अदालत से। कागज चरणों में रख दिया। भोला से पूछा, क्या बात भोला, तुम तो रघुनाथ जी के यहां सेवा करते हो, तो क्या तुमने रघुनाथ जी का नाम लिखवाया? भगत ने सीधी सीधी कह दी, हाँ भोला भक्त सीधा साधा, पुजारी जी उसको जानते थे। पुजारी जी बोले, भोला घबराओ ना, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। एक काम करो, 18 तारीख को फैसला है, तुम एक दिन पहले ही निकल जाओ, गांव से थोड़ी दूर है, अदालत में लेट ना हो जाए, तुम पहले ही पहुंच जाओ, एक दिन पहले भगवान सब व्यवस्था करे। सीधा साधा भोला भोजन का सामान लेकर के निकल गया। इधर पुजारी जी जिस दिन उसका फैसला था उस दिन 4 बजे की बजाय 3 बजे ही सुबह तैयार हो गए। भगवान को स्नान करवाया, रघुनाथ जी को भोग लगाया, आरती की, आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पहले ही आरती कर दी। तो किसी ने पूछा, पुजारी जी इतनी जल्दी आरती क्यों? पुजारी जी बोले, आज भगवान को अदालत जाना, आज पहली बार बाहर जा रहे ना, अदालत जाना है, देरी ना हो जाए, कहीं उस बेचारे भक्त की लाज ना चली जाए, उसका भरोसा ना टूट जाए, इसलिए आज भगवान को पहले ही आरती की भोग लगाया। और भोग लगाते हुए पुजारी जी ने कहा भगवान से हाथ जोड़कर, आज तो पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए पुजारी जी बोले, सरकार आपके तो लाखों भगत हैं, बहुत भक्त हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भोला भक्त है ना उसके तो केवल एक आप ही हैं दुनिया में, दूसरा कोई नहीं, उसकी लाज ना चली जाए, अगर वो हार जाएगा तो प्रभु आप हार जाओगे, वो सीधा साधा है, वो अनपढ़ है, वो कुछ जानता नहीं है, पर प्रभु वो आपको जानता है, अपने भक्त की लाज को बचा लेना। और पुजारी जी आंखों में आंसू भरकर रोने लगे, आंखों में आंसू भरकर पुजारी जी रो रहे, आपके बिन कौन संकट निपटाएगा, कौन संकट मिटाएगा, हे रघुनाथ जी वो भोला भाला सीधा साधा भक्त है, उसका आपके अलावा कोई नहीं है, आप ही उसके संकटों को बचाना। इधर सुबह हुई, अदालत लगी, जज साहब बैठ गए। जैसे ही जज साहब बैठे तो जज साहब ने केवट को बुलवाया, केवट कटघरा में खड़ा हो गया और केवट को कहा, क्यों तुम्हारा गवाह रघुनाथ कहाँ है? केवट लठिया लिए हुए पकड़े हुए कटघरा को खड़े होकर आंखों में आंसू भर के बोला, सरकार वो तो सब जगह यही कहीं है, हर जगह है, वो तो सब जगह है। तो जज साहब ने चपरासी को कहा कि पुकार लगाओ, और चपरासी दरवाजे पर आकर पुकार लगाता है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, हाथ में छड़ी लिए, तुलसी की माला पहने, माथे पर चंदन और रोली चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी के साथ आज रघुनाथ जी अदालत में गवाह बनकर आए। एक बूढ़ा सा आदमी लाठी हाथ में लिए हुए, बिल्कुल सत्य घटना कलिकाल की बता रहे भैया। जैसे ही वो आया, आ गए आ गए आ गए, चपरासी ने हाथ पकड़ा, कटघरा में ले आए। जज ने देखा वो चमकीली आंखें, बूढ़े जरूर हैं पर चेहरे पर तेज बड़ा प्यारा है। जज साहब उस वृद्ध रूपी गवाह को देखकर चकित रह गए, धीरे से पूछा, ये तुम्हारे ही गांव के? केवट ने कहा, हमारे गांव के नहीं, हमारे घर के। अच्छा कौन हो? महाराज हमारा नाम रघुनाथ। केवट से कहा, क्या यही गवाह है? हाँ यही गवाह है। जज साहब ने पूछा, क्या तुमने केवट को रुपया देते हुए सेठ जी के देखा है? रघुनाथ जी बोले, हाँ हमने देखा।
तो सेठ बोला झूठ बोल रहे, ये हमारे गांव का है ही नहीं, रघुनाथ नाम का आदमी भी गांव में नहीं है, ये झूठ बोल रहे। तो तुरंत भगवान बने रघुनाथ जी, बोले काय को झूठ बोलते, हम तुम्हारे ही गांव में रहते हैं मंदिर में। अब जज को समझ में नहीं आया, जज को लगा शायद मंदिर में रहते हो। सेठ बोला झूठ मत बोलो। तो मुस्कुराते हुए गवाह बने भगवान, बोले भैया अगर तुम्हें झूठ लगता है तो जज साहब को कहा श्रीमान इस सेठ को यहीं पकड़ के रख लो, यहीं बांध लो, एक अधिकारी को इसके घर भेजा जाए, इस नंबर की रजिस्टर की डायरी में इस पेज नंबर पर चुकती का एक कागज रखा हुआ है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवट जी ने सब रुपया चुका दिए हैं। जज ने वैसा ही किया, एक अधिकारी गया, चिट्ठी पकड़ी गई, सेठ झूठा पाया गया, भोला केवट को बाइज्जत बरी कर दिया गया। पर जज साहब से नहीं रहा गया तो उस भोले भाले केवट को अपनी केबिन में अंदर बुलाया और पूछा ये जो रघुनाथ जी हैं ये कहाँ रहते। केवट बोला हमारे गांव में मंदिर है। अच्छा इनका मंदिर है क्या? बोले नहीं नहीं इनका मंदिर नहीं है, ये मंदिर में ही रहते। तो क्या इन्होंने मंदिर बनवाया? नहीं मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, ये मंदिर में रहने वाले। तो क्या ये मंदिर में इनका निवास है? नहीं 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 ये मंदिर में निवास नहीं, मंदिर ही इनका है। कौन है ये? रघुनाथ जी, राम जी हैं। सीधी साधी बात जब केवट ने बताई तो जज की आंखों से आंसू आ गए और रोते हुए आंखों में आंसू भरकर जज साहब कहते हैं जिन भगवान को नारद शेष गणेश महेश जान नहीं पाए लेकिन वो भगवान कितने भोले सोई आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह कहाते रहे। और जज आंखों में आंसू भर करके कहता कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और जगदीश मुझे समझाते रहे। उसी दिन से जज साहब ने नौकरी त्याग दी और महात्मा बन गए। भैया इस कथा से सिद्ध होता है कि कलयुग में भी अगर कोई भाव से पुकारे तो भगवान गवाह बनकर के भी प्रकट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।